हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कॉम मेंटर्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम बेसिकली बेसिक सीखेंगे इसका, फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सीखेंगे, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, उसके बाद बेस थ्योरम, उसके बाद आपके बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और काफी और टॉपिक भी हैं छोटे मोटे, तो हम वो सीखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो आज हम उनको बेसिक्स मेनली कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम काफी चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, मल्टीपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैट्रिक्स, फूरियर सीरीज एंड मेनी मोर। तो इस तरह के चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बना के मैंने उनके वीडियो जो लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक है, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किए हुए हैं। आप उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और उन रिस्पेक्टिव लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब मेनली होता है चांसेस। तो जनरली प्रोबेबिलिटी पिक्चर में तब आती है जब आपकी कोई भी इवेंट या काम में चांसेस की बात आ जाए, मतलब जब आप उस काम के बारे में, आउटपुट के बारे में इंश्योर नहीं हो। जैसे इट मे रेन टुडे, मान लो लेट सपोज बादल हो रखे हैं, थोड़े थोड़े बादल हो रखे हैं आसमान में, हमें लग रहा है कि हाँ शायद बारिश हो सकती है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि बारिश होगी या नहीं होगी, होगी भी तो कितनी होगी कुछ नहीं पता हमें। तो जब भी हमें आउटपुट के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं होता, तब बात आती है प्रोबेबिलिटी की। इसी तरह गेटिंग हेड इन द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, लेट्स सपोज आपके पास एक कॉइन है, तो आपको पता है जैसे ये हेड मानते हैं इसको और ये टेल मानते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसके, जब भी आप इसको टॉस करेंगे, इस कॉइन को टॉस करेंगे, तो आपको नहीं पता कि क्या गिरने वाला है सरफेस पे, हेड ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगा। तो दैट्स व्हाई हम इसकी आउटपुट के बारे में भी श्योर नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द केस ऑफ चांसेस और प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली डाइस, आपको पता है किसी भी डाइस के टोटल 6 फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो जब भी आप इसको रोल करेंगे तो मुझे नहीं पता कि आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, तो दैट्स व्हाई गेटिंग 6 इन ए डाइस, तो मुझे नहीं पता 6 कब मिलेगा, तो क्या पता मैं फर्स्ट टाइम ही डालूं और 6 आ जाए, वो अलग बात है, लकीली 6 आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द आउटपुट ऑफ ए डाइस। सिमिलरली जब आपके पास कार्ड्स होते हैं, ये कुछ कार्ड्स हैं आपके पास, आपको एक कार्ड निकालना है और वो किंग होना चाहिए। तो मैंने एक कार्ड निकाला, ये 10 निकला, तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि जो कार्ड निकालेंगे वो किंग निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें 52 कार्ड्स होते हैं और वी कांट वेरी श्योर अबाउट द आउटपुट ऑफ एनी पिकिंग। तो इसकी भी आउटपुट मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या आएगी। सिमिलरली लेट सपोज एक बॉक्स है, उसमें रेड बॉल्स भी हैं, व्हाइट बॉल्स भी हैं, उसमें से आपने एक बॉल निकाली और जरूर नहीं है वो रेड हो, तो ये आपको पता है। सिमिलरली स्पीकिंग ऑफ ट्रूथ बाय एनीवन, इसी तरह मान लो आपको कोई फ्रेंड है या आपको कोई नॉन है या कोई भी जान कोई भी है जो आपसे कुछ बोल रहा है, तो हाउ यू कैन बी वेरी श्योर दैट इट इज ए ट्रूथ। कुछ बात बोली, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हो सकता है सच बोल रहा हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है पार्शियल सच या झूठ बोल रहा हो। तो जब भी आप किसी की आउटपुट के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये आउटपुट आएगी, जैसे कॉइन टॉस करने में क्या आएगा नहीं बता सकता, डाइस रोल करने में क्या आएगा नहीं बता सकता, कार्ड्स को पिक करूंगा तो क्या कौन सा कार्ड निकलेगा नहीं बता सकता, सिमिलरली बॉल बैग फुल ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल में से कौन सी किस कलर की बॉल बाहर निकलेगी नहीं बता सकता। तो जब भी आप एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते तो इसका मतलब वहां कंसेप्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, तभी आपको प्रोबेबिलिटी के लेक्चर अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपकी आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, नहीं बताई जा सकती क्या आएगी, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा काम हो, तो कॉइन का टॉस करना हो सकता है, डाइस को रोल करना हो सकता है, दो कॉइन को टॉस कर सकता हूं, दो डाइस को रोल कर सकता हूं, एक कॉइन एक डाइस को रोल कर सकता हूं, कार्ड पिक कर सकता हूं, बॉल पिक कर सकता हूं, नंबर पिक कर सकता हूं, कुछ भी
तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इनको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपकी आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितनी भी आउटपुट आए उन सबको इकट्ठा कर लो, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को जनरली डिनोट किया जाता है एस, और ये सिंबल है जनरली ओहम का सिंबल होता था ये, तो ये भी सिंबल दोनों यूज होते हैं इंटरचेंजेबली, तो एस और ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन करते हैं, आपको पता है जब कॉइन को टॉस करेंगे, लेट सपोज ये मेरे पास कॉइन है, एक टेल है और एक हेड है, तो आपको पता है जब भी इसको टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटपुट आ सकती हैं, या तो आएगा हेड या आएगा टेल, और कोई पॉसिबल आउटपुट नहीं है आपकी। तो जो भी पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं, जितनी भी आ सकती हैं, सबको इकट्ठा कर लो, सबका सेट बना लो, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। तो इसी तरह रोलिंग ऑफ ए डाइस, लेट सपोज मेरे पास एक डाइस है, तो जब इसको रोल करोगे तो क्या क्या आउटपुट आ सकती है, वन आ सकता है, टू आ सकता है और थ्री, सिमिलरली फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये कुछ भी आपकी आउटपुट आ सकती है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है, कई बार एन ऑफ एस की बात आ जाती है, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एंट्रीज इन सैंपल स्पेस, तो यहां कितना है एन ऑफ एस, दैट इज टू, और कई बार इसको ऐसे मोड एस से भी डिनोट किया जाता है, इसका मतलब भी नंबर ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। एक इंपॉर्टेंट बात और, आपको पता है ये पूरा क्या है, सैंपल स्पेस, बट जो इसके अंदर एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्रीज आएंगी, एक दो दस जितनी भी आएंगी, उन सबको बोलते हैं बच्चे सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट क्या होते हैं, ईच एंट्री इन द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट। तो यहां एन ऑफ एस लिखें, आपको पता है सिक्स है, या तो एन ऑफ एस लिख दें या मोड एस लिख दें, बात एक ही है। तो ध्यान रखिएगा मोड का मतलब भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, और एन का मतलब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। क्लियर हो गया यहां तक। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। तो टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स आपको बताया, दो कॉइन को टॉस करोगे तो आपकी चार आउटपुट आ सकती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो अब ये चार आउटपुट बनी कैसे, वो मैं बता देता हूं। तो जब भी एक से ज्यादा कॉइन, एक से ज्यादा डाइस ऐसे कुछ आए, तो थोड़ा एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे। तो फर्स्ट कॉइन पे क्या क्या आ सकता है, एच और टी, दूसरे पे भी एच और टी। अब फर्स्ट एच को उठाओ, हर एक से पेयर बना दो उसका, सिमिलरली अब दूसरे फर्स्ट टी को उठाओ, हर एक से पेयर बना दो, तो इस तरह से आप सारे सैंपल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा कॉइन, एक से ज्यादा डाइस वगैरह आ जाएं, तो फर्स्ट के एलिमेंट को वन बाय वन उठा के सेकेंड के एलिमेंट से, हर सेकेंड के हर एक एलिमेंट से पेयर अप कर दो। तो यहां नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, चार, और साइज कितना है, साइज और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट चार है। अब रोलिंग ऑफ टू डाइस, तो इसी तरह से यहां करेंगे हम फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस। तो फर्स्ट डाइस पे क्या क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सेकेंड डाइस पे क्या आ सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अब सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, तो मैंने क्या तरीका बताया, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को उठाओ और सेकेंड सेट के हर एलिमेंट से पिक यानी पेयर बना दो। तो वन का पहले सबके साथ पेयर, तो वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, तो हो गया वन के उठा के सबसे पेयर, फिर वन को उठा के सबसे पेयर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड को उठा के सेकंड एलिमेंट को उठाओ, हर हर एक से पेयर, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स। अब सिमिलरली चलते रहेंगे, फिर थ्री का थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फोर का, फाइव का और सिक्स। अब लास्ट के मैं सिर्फ सिक्स के पेयर लिख रहा हूं, तो सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। तो ये आपके बने
सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हैं वन के छह पेयर बने, दो के भी छह बनेंगे, तीन के भी छह बनेंगे, चार के भी छह, इस तरह से अगर आप करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे, 36। तो आप मोड एस बोल सकते हैं या नंबर ऑफ एस बोल सकते हैं या मोड एस बोल सकते हैं, दैट इज 36। क्लियर हो गया यहां तक? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। सिमिलरली मैं थोड़ा हा डेप्थ में बता रहा हूं सो दैट आपको फर्दर लेक्चर्स में इतनी दिक्कत ना आए। तो टॉसिंग ऑफ ए वन कॉइन एंड वन डाइस, तो आपका एक कॉइन है और एक डाइस है, एक कॉइन पे क्या क्या आउटपुट आती है, हेड या टेल, डाइस पे क्या क्या आती है, 1 2 3 4 5 6। तो कुछ नहीं करना सैंपल स्पेस बनाते टाइम, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ और सेकंड सेट के हर एलिमेंट से पेयर बना दो उसका। तो एच कोमा वन, एच कोमा टू, एच कोमा थ्री, एच कोमा फोर, एच कोमा फाइव, एच कोमा सिक्स, तो खत्म हो गए सारे एच के साथ। अब टी के साथ सारे पेयर बना दो, टी कोमा वन, टी कोमा टू, टी कोमा थ्री, टी कोमा फोर, टी कोमा फाइव और टी कोमा सिक्स। तो यहां एन ऑफ एस आया 12, ठीक है। तो आप शुरू में देख सकते थे, खैर 12 पेयर बनेंगे, दो इसके हैं, सिक्स इसके हैं, तो जब भी इकट्ठे आए तो मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, तो दो एलिमेंट इसके, सिक्स इसके, तो टू सिक्स जा 12। सिमिलरली फर्स्ट सेट में थे छह एलिमेंट, दूसरे में थे छह एलिमेंट, तो मल्टीप्लाई करके 36 सैंपल पॉइंट बनेंगे इसमें। तो सिमिलरली अब ये इंपॉर्टेंट है, अब कई बार क्या होता है कि सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस काफी बड़ा आ गया, तो कई बार सैंपल स्पेस को डायरेक्ट नहीं लिखते, सिर्फ नंबर लिख देते हैं उसका, तो उससे काम चल जाता है। सिमिलरली यहां भी 12 एलिमेंट है, अगर आप 12 लिखना चाहें तो लिख लें, बट नहीं तो नंबर से भी लिखने से काम चल जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, सो दैट आपको जरूरत पड़े तो आप लिख पाए। तो नेक्स्ट है सिलेक्टिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, अगर उसमें से मैंने चार कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेट्स सपोज ये 52 कार्ड्स हैं, तो अगर इसमें से चार कार्ड मुझे सिलेक्ट करने हैं तो इसके तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मैं इतने मुश्किल यानी इतना आसान नहीं है कि मैं हर एक सैंपल स्पेस को यानी सैंपल स्पेस को पूरा डिस्क्राइब कर दूं, तो इसके लिए जनरली हम एन ऑफ एस ही बात करते हैं, एस की बात नहीं करते। तो अब जब भी आपको किसी भी सेट ऑफ कार्ड यानी किसी भी सेट ऑफ आइटम्स में से दूसरी सेट ऑफ आइटम निकालनी हो तो यानी चूज करनी हो तो हम उसको कॉम्बिनेशन से डिनोट करते हैं 52C4। तो हेयर सी इज, सुना होगा आपने परमोटेशन कॉम्बिनेशन, तो सी सी इज फॉर सिलेक्शन। तो जब भी आपको किसी बैग में से किसी पैक में से कुछ आइटम सिलेक्ट करनी हो तो जनरली सी यूज होता है। अब इसको खोलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता पहले फिर मैं वहां समझा दूंगा आपको, ऊपर वाले फैक्टोरियल, नीचे वाले फैक्टोरियल और सब्ट्रैक्ट करके फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहां यूज किया मैंने, तो 52 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 48 का फैक्टोरियल, तो आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं बाद में सोल्व करने के। सिमिलरली एक बैग है, उसमें से आपको चार बॉल सिलेक्ट करनी है और उसके अंदर 6 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, तो मुझे जब सैंपल स्पेस में निकालता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रेड बॉल है ब्लैक बॉल है क्या है, मुझे बस मेन बात है कि 11 बॉल्स हैं, 6 और 5 11 11 बॉल्स हैं और उसमें से 4 बॉल निकालनी है, तो 11C4। तो जब भी आप सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो टोटल कितनी है और निकालनी कितनी है, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ब्लैक है कितनी व्हाइट है, वो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तब बात करेंगे, सैंपल स्पेस की काउंटिंग निकालते टाइम कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो आपको फार्मूला पता है इसका, ऊपर वाले फैक्टोरियल, नीचे वाले फैक्टोरियल और घटा के फैक्टोरियल, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हो गया? तो होपफुली आपको सैंपल स्पेस लिखना आ गया होगा, तो मैंने काफी एग्जांपल आपके साथ शेयर किए, एक छोटे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, बड़े थोड़े से सैंपल स्पेस हो जाते हैं तो आप चाहे सैंपल स्पेस लिखिए या नंबर काउंटिंग लिख दीजिए बहुत है। और लास्टली जब भी आप कोई पैक में से कुछ भी आइटम्स आपने निकालनी हो तो आप जनरली कॉम्बिनेशन का हेल्प लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन की आपने हेल्प ली तो यहां भी और यहां भी। क्लियर हो गया? होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इवेंट और केस। अब इवेंट और केस क्या होता है, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो जो सैंपल स्पेस हमने पढ़ा जिसमें सारी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं एक्सपेरिमेंट की, उसमें से कुछ एलिमेंट उठा लो तो उसको बोलते हैं इवेंट। तो वही बात मैंने यहां लिखी, कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड इवेंट। तो जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तब ज्यादा आपको क्लियर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल
गेटिंग ए हेड इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन आपको पता है काम है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें आप हेड और टेल की जो आउटपुट है वो कंफर्म नहीं बता सकते, इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला है। और जो आपको चाहिए हम जनरली उसको इवेंट बोलते हैं, तो गेटिंग ए हेड। तो आपको पता है सैंपल स्पेस क्या है टोसिंग ऑफ ए कॉइन में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जो भी आपको काम चाहिए उसका कोई नाम दे दीजिए, लेट्स सपोज ई, तो ई क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड। अब इनमें से इवेंट कुछ नहीं होता, जो जो आप अब सैंपल स्पेस में से जो जो सैंपल पॉइंट आपकी बात मान रहा हो उसको पिक कर लो। आपको क्या चाहिए, एक हेड चाहिए, तो इस सैंपल पॉइंट के पास गए, बात मान रहा है, यस। दूसरे सैंपल पॉइंट के पास गए, बात मान रहा है, उसको हेड चाहिए ये, बट ये तो कह रहा है मैं टेल हूं, तो ऑब्वियसली ये बात नहीं मान रहा, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही सैंपल पॉइंट आएगा इवेंट में, तो दिस इज व्हाट यू कॉल बाय इवेंट। तो इवेंट क्या होती है बच्चे, कुछ नहीं, आपके सैंपल पॉइंट की कलेक्शन को इवेंट बोलते हैं, और साथ के साथ इसमें जो ये है ये पूरे सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, इसके अंदर सारे सैंपल पॉइंट है, इसके अंदर सिर्फ वो है जो मेरी बात मान रहे हैं। क्लियर हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, गेटिंग वन और सिक्स इन रोलिंग ऑफ ए डाइस। आपको पता रोलिंग ऑफ डाइस जो है ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अब चाहिए क्या आपको, गेटिंग वन और सिक्स, तो गेटिंग वन और सिक्स दैट इज द इवेंट। अब इवेंट का कोई भी नाम दे सकते हो, यहां ई दिया यहां ए दे रहा हूं मैं, तो इवेंट ऑफ गेटिंग वन और सिक्स, तो मैं देखूंगा जो जो बंदा मेरी बात मान रहा होगा मैं उसको पिक कर लूंगा, जो बंदा मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको सैंपल स्पेस में से पिक नहीं करूंगा। तो मुझे या तो वो एक चाहिए या छह चाहिए, इसके पास गया कि भी एक या छह चाहिए, तो यस उसने हाँ कर दी क्योंकि वो एक है। टू मना कर रहा है क्योंकि वन और सिक्स ही चाहिए, थ्री फोर फाइव ये सब मना करेंगे, लास्ट में जाके एक सिक्स हाँ करेगा। तो मेरे सैंपल इवेंट के पास कितने सैंपल पॉइंट आए, सिर्फ दो, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इन द टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस। तो मुझे पता है टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस में चार सैंपल पॉइंट आते हैं, सैंपल स्पेस में चार एलिमेंट्स आते हैं, अब मुझे सिर्फ वो उठाने हैं, एटलीस्ट वन टेल आए, तो इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम एक टेल। तो कम से कम एक टेल का मतलब क्या है, एक टेल दो टेल तीन टेल चार टेल, तो एक कम से कम एक टेल चाहिए। तो मैं पहले इसके पास गया, भाई कम से कम एक टेल है तेरे पास, नहीं है, तो इसके पास कम से कम एक टेल नहीं है, तो ये बात नहीं माना। इसके पास गए तो कम से कम एक टेल चाहिए, तो ठीक है, वो कहता है हाँ एक टेल है मेरे पास। नेक्स्ट एलिमेंट के पास गया, कम से कम एक टेल चाहिए, ठीक है, उसके पास भी कम से कम एक टेल पड़ा है, आगे पड़ा है पीछे पड़ा है मुझे कोई मतलब नहीं है, एक टेल होना चाहिए। अब कम से कम एक टेल, यस वो भी हाँ कर रहा है, तो इस तरह से आपका ये बन गया इवेंट। तो आपको इवेंट भी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और साथ साथ इवेंट के जो एलिमेंट आपको फेवर कर रहे हैं वो भी आपको पिक करने आने चाहिए। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल, गेटिंग 10 इन रोलिंग ऑफ टू डाइस। अब आपको पता है दो डाइस को जब आप रोल करते हैं, जब दो डाइस को आप रोल करते हैं तो 36 सैंपल पॉइंट्स आते हैं, तो एलिमेंट्स कितने बनते हैं, 36। तो ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल है हर बार कि मैं 36 के 36 को लिस्ट अप करूं, तो बट मैंने सिर्फ उसकी काउंटिंग लिख दी। अब मैं एक इवेंट का नाम दे देता हूं सी, आप इवेंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ई ए बी सी ई वन ई टू, जो भी जो आपकी मर्जी है टोटली। तो मेरा काम क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 10। तो अगर मैं सबसे वन बाय वन जाके पूछूं कि हाँ मुझे 10 सम चाहिए तो बताओ कौन देगा, तो थोड़ा सा टीडियस है 36 में ढूंढना। जब भी आपको सम निकालना हो तो पहला पेयर ध्यान से चुनिए, और पहला पेयर जनरली एक पे 6 रख लीजिए, दूसरे पे जो भी रखना है। तो अगर सम 6 से बड़ा चाहिए तो 6 से स्टार्ट कीजिए, और सम 6 से कम चाहिए तो 1 से स्टार्ट कीजिए। तो हो गया, तो अब कुछ नहीं करना, एक डाइस पे कम करते जाओ दूसरे पे बढ़ाते जाओ। तो इस पे कम कर देता हूं और दूसरे पे बढ़ाता हूं, इसी तरह है, इस पे फिर कम कर देता हूं और दूसरे बढ़ाता हूं, इस पे और बढ़ा नहीं सकता, कम तो हो सकता है बट इस पे बढ़ा नहीं सकता, तो इसलिए इतना ही है। तो मेरे पास कितने बंदों ने मेरे हाँ हाँ करी, सिर्फ 3 बंदों ने मेरे को हाँ करी। तो इवेंट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट, तो जो जो सैंपल पॉइंट आपकी बात माने पूरे सैंपल स्पेस में से, आपने सिर्फ उनको पिक कर लेना। क्लियर हो गया इवेंट, ठीक है। तो इवेंट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट, उन सैंपल पॉइंट की कलेक्शन जो आपकी बात मान रहे हो। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ इवेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट। तो मैंने जितने भी इवेंट्स हैं उनको 10 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हम वन बाय वन उनके डेफिनेशन देखेंगे। तो फटाफट नाम इसको ब्रीफ कर लेते हैं, यूनिवर्सल श्योर और सर्टेन तीनों एक ही बात है, इवेंट नल और इम्पॉसिबल इवेंट, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट, कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये इवेंट्स हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, कंपैटिबल इवेंट इवेंट्स, एग्जॉस्टिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वन बाय वन इनकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन के साथ, यूनिवर्सल श्योर और सर्टेन इवेंट। बहुत आसान है, ऐसी इवेंट जो आपके हर सैंपल पॉइंट को इंक्लूड कर ले उसको बोलते हैं आपकी यूनिवर्सल श्योर और सर्टेन इवेंट। तो एन इवेंट विच कवर ईच एंड एवरी सैंपल पॉइंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो हर सैंपल पॉइंट को कवर करेगी, तो जो उसमें इवेंट होगा वो आपके सैंपल स्पेस के बराबर ही होगा। जैसे गेटिंग सम एट लीस्ट टू इन द टॉसिंग ऑफ टू डाइस। अब आपको पता है दो डाइस को जब आप टॉस करते हैं तो 36 आउटपुट आती है, जो मिनिमम सम है वो 2 आएगा, बाकी जितने भी सम होंगे वो सारे 2 से ज्यादा ही होंगे। तो उसने यही बोला, गेटिंग सम एट लीस्ट 2 इन द टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। तो जब डाइस को टॉस करोगे तो सारे सैंपल पॉइंट हैं उन सब का सम 2 या 2 से ज्यादा ही आएगा। तो मेरी जो इवेंट है वो आपके हर सैंपल पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब E इज इक्वल टू S। क्लियर हो गया यहां तक? तो जब आपकी इवेंट के अंदर हर सैंपल पॉइंट इंक्लूड हो जाए तो उसको बोलते हैं आपका यूनिवर्सल श्योर और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट है नल और इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी इवेंट जो किसी भी सैंपल पॉइंट को इंक्लूड ना करे उसको बोलते हैं नल और इम्पॉसिबल सैंपल पॉइंट। जैसे इसको आप, तो जो इवेंट है उस या तो वो एम्प्टी सेट दिखाएगा या फाई दिखाएगा। कई बार बच्चे कर लेते हैं गलती, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, तो ये चीज गलत है, ये चीज बिल्कुल गलत है, तो ध्यान रखिएगा। तो या तो आप एम्प्टी सेट यूज करेंगे इसके लिए या फाई यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो मान लेते हैं गेटिंग सम 13 इन रोलिंग ऑफ टू डाइस। मान लो दो डाइस को मैं दोबारा रोल कर रहा हूं, 36 आउटपुट आई, आपको सम चाहिए 13। आपको पता है मिनिमम सम जो है 1+1 2 हो सकता है और मैक्सिमम सम जो हो सकता है वो 12 हो सकता है दो डाइस पे। तो आपको सम चाहिए 13। तो अगर सम 13 चाहिए तो कितने बंदे आपकी बात मान रहे हैं? कोई नहीं। तो इसका मतलब जो आपका इवेंट सेट बिल्कुल खाली होगा, किसी भी सैंपल पॉइंट को उसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं नल या इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर हो गया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। बहुत आसान है, ऐसी इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आए उस इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गेटिंग बोथ हेड्स इन द टॉसिंग ऑफ टू कॉइंस। आपको पता है जब दो कॉइन को आप टॉस करेंगे तो 4 आउटपुट आएंगी, आपको दोनों हेड चाहिए। तो सिर्फ कितने बंदे बात मान रहे हैं? एक बंदा बात मान रहा है, दैट इज HH। तो कितने सैंपल पॉइंट आए इस इवेंट के अंदर? 1। तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। नेक्स्ट होता है कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। बहुत आसान है, ऐसी इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट इकट्ठे हों उसको बोलते हैं कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। जैसे एग्जांपल लिया है, गेटिंग 1 हेड इन द टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस। 2 कॉइन को जब आपने टॉस किया तो आपको 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड के लिए आपने इसके पास गए, ये तो मना कर रहा है क्योंकि इसके पास तो 2 हेड है, इसके पास गए, हाँ वो बोल रहा है यस मेरे पास 1 हेड है, इसके पास ये भी हाँ करेगा, ये फिर मना करेगा, तो मुझे 1 हेड चाहिए। तो 2 बंदों ने मुझे हाँ की, HT ने और TH ने, तो इसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट आए? 2। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 20 टोकन्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। तो मेरे पास 20 टोकन है, उस पे 1 से 20 तक नंबर लिखा हुआ है, मुझे 5 के मल्टीपल टोकन उठाने हैं। तो आपको पता है क्या क्या आउटपुट आ सकती है? आप 5 उठा सकते हैं, 10 उठा सकते हैं, 15 उठा सकते हैं और 20 उठा सकते हैं। तो 5 के मल्टीपल का मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, तो 5, 10, 15 और 20 आप 4 एलिमेंट 4 टोकन उठा सकते हैं। तो कितने सैंपल पॉइंट आपको फेवर कर रहे हैं? 4। तो अगेन 1 से ज्यादा है। तो अब तक जो किया उसको फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं क्योंकि वो सिमिलर से थे सारे। तो यूनिवर्सल क्या होते हैं? जिसमें सारे सैंपल पॉइंट कवर हो जाए। नल कौन से होती है या इम्पॉसिबल कौन से होती है? जिसमें कोई भी सैंपल पॉइंट कवर ना हो। एलिमेंट्री और सिंपल कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट कवर हो। और कंपाउंड और कंपोजिट क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ इवेंट, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। यहां इवेंट्स है मतलब एक से ज्यादा इवेंट है। तो इवेंट्स दोज हैव सेम चांसेस ऑफ अकरेंस इन एन अनबायस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो अनबायस्ड हो, मतलब मैंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो उसमें जितनी भी आउटपुट आएंगी सबके इक्वल चांसेस है आने के। जैसे अगर मेरे पास कॉइन है
तो इसमें हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि इस तरफ वेट चिपका दिया तो बार बार वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। वो हम सोच सकते हैं कि चलो ठीक है हेड आ जाए यार या टेल आ जाए, बट वी कांट हेल्प इट आउट, हम उसकी यानी कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, वो जो गिरेगा गिरेगा। सिमिलरली जब डाइस को आप रोल करेंगे तो आपके एक से छह के अंदर कुछ भी आ सकता है, दैट ऑल आर इक्वली लाइकली, मतलब कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि भी दो ज्यादा बार आएगा या पांच ज्यादा बार आएगा। वो तो हर जो पार्ट है 1 to 6 वो कुछ कितनी बार मर्जी बार आ सकता है, ठीक है। तो ईच फेस हेड और टेल ऑन ए कॉइन इज इक्वली लाइकली टू अकर व्हेन द अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ट। मेन बात है अनबायस की, मतलब आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। सिमिलरली जब आप अनबायस डाइस को रोल करेंगे तो आपका एक से छह कोई भी न्यूमरल आ सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है ऐसी इवेंट जो आपकी एग्जिस्टिंग इवेंट का रिवर्स हो, उल्टा हो। तो एन इवेंट विच कंटेन द सैंपल पॉइंट दोज आर नॉट फेवरिंग द इवेंट। तो जो आपकी बात नहीं मान रहे हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जनरली इसको ए बार, ए एस्ट्रिक, ए सी, ए डैश, नॉट ए, इन सबसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली इसको एक डेफिनेशन भी है कि आपके कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो सारे सैंपल पॉइंट है उसमें से जो ए वाले हैं वो हटा दो। तो जैसे नॉट गेटिंग टू हेड्स इन टोसिंग ऑफ टू कॉइन, मान लो दो कॉइन टोस किए हैं तो आपको पता है चार सैंपल पॉइंट आते हैं आउटपुट में। मान लेता हूं एक ए इवेंट गेटिंग टू हेड्स, गेटिंग ऑफ टू हेड्स, तो आपको पता किसने बंदों ने बात माननी, सिर्फ एक बंदों ने। अब मुझे निकालना नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग, अब अगर ए जो है वो गेटिंग है तो ए बार क्या हो जाएगा नॉट गेटिंग। तो इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग टू हेड्स, तो आपने कैसे करना है, तो सीधी बात है जो एस है उसमें से जो ए वाले हैं वो हटा दो। तो सीधी बात है कौन से बचे, एच एच हट गया, एस टी बचा, टी एच बचा और टी टी बचा, तो ये है एस माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो आपकी बात नहीं मानते। नेक्स्ट है म्यूचुअली, नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। अभी ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसी इवेंट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है उन इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, आपको पता है इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन पार्ट निकालता है, वो क्या होगा एम्प्टी। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इन द टॉसिंग ऑफ ए डाइस, मैं डाइस आपको पता है जब रोल करते हो तो क्या क्या आउटपुट आ सकती है, एक दो तीन चार पांच छह कुछ भी आ सकता है। ए मैंने मान ला गेटिंग ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो ए इवेंट क्या कहती है मुझे इवन नंबर चाहिए, तो मुझे सिर्फ तीन बंदों ने मेरी बात माननी, दो चार और छह ने। सिमिलरली इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर, तो ओड नंबर में सिर्फ तीन बंदों ने मेरी बात माननी, एक तीन और पांच ने। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव और एम्प्टी सेट। तो ध्यान रखिएगा, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इसका मतलब वो जो इवेंट्स हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट, ऐसे इवेंट जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। अब इसका जो कन्वर्स है यानी रिवर्स पार्ट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट होते हैं कंपेटिबल इवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या था, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बट कंपेटिबल इवेंट होती हैं ऐसी इवेंट जिनमें कुछ ना कुछ जरूर कॉमन हो, तो जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं होना चाहिए, तो दे आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है उसको उल्टा है, दैट इज कंपेटिबल इवेंट। तो बहुत आसान है, इन द रोलिंग ऑफ टू डाइस आपको पता है 36 आउटपुट आती है आपकी, ए इवेंट है गेटिंग सम 8, आपको सम 8 चाहिए। तो मैंने बताया जब भी आपको 6 से बड़ा सम चाहिए तो एक डाइस पे 6 से स्टार्ट करो, दूसरी पे जो बचा वो लिख दो, एक पे कम करते जाओ दूसरी पे बढ़ाते जाओ, 5 3 4 4 3 5 और 2 6। आप दूसरे पे और बढ़ा नहीं सकते इसलिए हम यहां रुक जाएंगे। तो ये आई आपकी पांच आउटपुट्स। सिमिलरली बी गेट इवेंट ऑफ गेटिंग ए डबलेट, आपको डबलेट चाहिए, डबलेट क्या होता है दोनों पे सेम नंबर चाहिए दोनों डाइस पे, तो क्या क्या आउटपुट आ सकती है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ठीक है, तो आप कॉमन देखे कुछ है क्या ऐसा है जिसका सम 8 भी हो
और डबलेट भी हो, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, 4-4, तो यहां कॉमन एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब दे आर कंपेटिबल इवेंट, तो कंपेटिबल होगी तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, तो उल्टा होता उसका, तो होपफुली आपको समझ आ गया, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो होपफुली समझ आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं टाइप नाइन, दैट इज एग्जॉस्टिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगेन ये इवेंट्स हैं और वो कितनी मर्जी हो सकती हैं, तो ऐसी इवेंट्स जो हर सैंपल पॉइंट को कम से कम एक बार कवर कर दें उसको बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब मान लेता हूं अगर एन इवेंट्स हैं तो अगर सबको यूनियन करूंगा, मतलब सबको इकट्ठा करूंगा, तो वो सैंपल स्पेस के बराबर आएंगी। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल से तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इन द टॉसिंग ऑफ 3 coins। तो पहले 3 coin को टॉस करने में सैंपल स्पेस कितने आएंगे वो लिखना बता देता हूं मैं आपको। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 coins हैं। फर्स्ट कॉइन पे HOT, सेकंड कॉइन पे HOT, तो पहले इन दोनों कंबाइन करो, आपको पता क्या क्या आउटपुट आएगी, HH, ST, TH और TT, ठीक है। अब थर्ड पे क्या आउटपुट होती है, HOT, तो अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड के जो कंबाइन है आप उसको पेयर अप कर दो थर्ड के हर एलिमेंट के साथ, तो HH को HH को उठाओ हर एक के साथ, HT को उठाओ हर एक के साथ, TH को उठाओ हर एक के साथ और TT को उठाओ हर एक के साथ, ये कर सकते हो। नहीं तो एक रूल होता है 8-4-2-1 रूल, किस लिए यूज होता है, कॉइन्स के सैंपल स्पेस लिखने के लिए। तो अब आपके क्योंकि 3 ही कॉइन है तो आपकी 8 आउटपुट आएंगी, वो आपको पता है, तो आप 3 ही कॉलम यूज करेंगे और 8 बार लिखेंगे। तो 1 का मतलब है आपने एक के बाद बदलना है, यानी HT HT, लिखना 8 बार है, HT HT, बट एक के बाद बदलना है, वो आपकी कॉल है कि आप H से स्टार्ट करते हैं या T से। सिमिलरली 2 HH TT, HH TT, आप 4-4 के बाद HH, 4 बार H और 4 बार T, तो जो ये आए आपके सैंपल पॉइंट। तो इस तरह से आप 8-4-2-1 रूल की हेल्प से भी अपना सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। तो मैंने एडवांस में लिख लिया, तो आप देख सकते हैं कैसे लिखा होगा, ओके। अब ए इवेंट क्या कहती है, गेटिंग एटलीस्ट 2 heads, तो कम से कम आपको 2 head चाहिए, कम से कम 2 head, तो 1 by 1 जाओ, कम से कम 2 head, तो ये इसके पास कितने हेड है, 3, तो ये बात मान रहा है, ठीक है जी, कम से कम 2 चाहिए, इसके पास गए 2 है, इसके पास भी 2 head है और इसके पास भी 2 head है, इसके पास 1 head 1 head 1 head 0 head, तो ऑब्वियसली 2 head चाहिए थे, तो मुझे सिर्फ 4 बंदों ने बात मानी तो मैंने वो ले लिया। सिमिलरली बी इवेंट है गेटिंग एग्जैक्टली 2 tails, तो आपको एग्जैक्टली 2 tails चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो ये 0 tail है, 1 tail है, 1 tail है, 1 tail है, 2 tail इसके पास है, 2 tail इसके पास है TST, 2 tail इसके पास है TTH, और एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो ऑब्वियसली तो इस लास्ट वाले के पास गया, वो तो कहता है मेरे पास 3 है, तो मुझे तो 2 ही चाहिए थे, तो सिर्फ 3 बंदों ने मेरी बात मानी। उसके बाद सी, गेटिंग सेम ऑन ऑल कॉइन, सब पे सेम चाहिए, तो सब पे सेम या तो HHH या TTT। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब ए बी और सी ने, ए यूनियन बी यूनियन सी ने आपका हर सैंपल पॉइंट HHH आ गया, HST आ गया, STH आ गया, THH आ गया, HTT आ गया, TST आ गया, TTH आ गया और TTT वो भी आ गया, तो आपने हर सैंपल पॉइंट कवर कर दिया इन तीनों इवेंट्स ने मिलके आपके एक्सपेरिमेंट का। तो इसका मतलब ये तीनों जो इवेंट्स हैं दे आर एग्जॉस्टिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सिर्फ ए और बी सारे सैंपल पॉइंट को कवर नहीं कर रही तो वो एग्जॉस्टिव नहीं है, बट ए बी सी तीनों मिलके सारे सैंपल पॉइंट्स को कवर कर रही हैं, तो इसका मतलब दे आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। बस अब एक लास्ट कंसेप्ट रह गया इसमें। अब लास्ट टाइप ऑफ इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, यानी काम आएगा बहुत ज्यादा जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाल लो इस चीज को। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट होती है बच्चे ऐसी इवेंट, अगर एक इवेंट होने या ना होने से दूसरी इवेंट के होने या ना होने पे कोई फर्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हो गया। तो जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास एक कॉइन है और एक डाइस है, तो मैं फर्स्ट कॉइन को टॉस करता हूं तो इस पे हेड या टेल कुछ भी आ सकता है,
अब इस पे हेड या टेल कुछ भी आए, इससे कोई फर्क पड़ेगा कि इस पे क्या आएगा डाइस पे जब सेकंड टाइम रोल करूंगा? तो ऑब्वियसली हेड कॉइन को टॉस करने की जो आउटपुट होंगी उससे डाइस की आउटपुट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब इन दोनों की जो आउटपुट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉइन पे क्या आएगा, और मुझे ऑब्वियसली उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाइस पे उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो ए इवेंट मान ली गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, तो मान लो इवेंट है कि फर्स्ट पे हेड आए, तो ऑब्वियसली अगर फर्स्ट पे हेड आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड पे क्या आए, तो ऑड नंबर आए इवन नंबर आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो मेरे पास एक स्वीट बॉक्स है, मिठाई का डब्बा है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। मान लो मेरे पास एक मिठाई का डब्बा है और हम 10 बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे। अगर उस मिठाई के डब्बे में सारी सेम मिठाई है, मान लो सारे लड्डू हैं, सारे रसगुल्ले हैं, सारे बर्फी हैं, सब सारी की सारी जो यानी मिठाइयां हैं वो एक जैसी हैं, मतलब सारे लड्डू हैं, लेट्स सपोज मान लीजिए, तो उस डब्बे में अगर सारे लड्डू हैं और 10 बच्चों को अगर मुझे बांटना है उस डब्बे में से मिठाई, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है कि मुझे किस नंबर पे मिठाई ऑफर हुई है? क्योंकि सारे लड्डू हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे फर्स्ट नंबर पे ऑफर हुई है, सेकंड पे, या थर्ड पे, या 10th पे। क्यों? क्यों सब सब सबके सब बच्चे आपके लड्डू ही उठाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब उसमें लड्डू ही है और तो कुछ है ही नहीं। बट अब थोड़ा अलग सोचो, मान लो ऐसा कोई मिठाई का डब्बा है जिसमें मिक्स मिठाई है, मतलब हर मिठाई का एक पीस। अब तुम्हें फर्क पड़ता है कि तुम्हें कौन से नंबर पे मिठाई ऑफर हुई है 10 बच्चों में। सोचो, तुम्हें एक मिक्स मिठाई का डब्बा है जिसमें हर मिठाई का एक ही पीस है, तो अब मुझे फर्क पड़ता है क्या कि मुझे किस नंबर पे 10 बच्चों में मिठाई ऑफर हुई है? ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ेगा कि फर्स्ट, लेट्स सपोज मुझे 5th नंबर पे मिठाई ऑफर हुई है, तो मुझे फर्क पड़ेगा कि पहले 4 बच्चों ने क्या चीज उठा ली, क्योंकि वो हो सकता है कि पहले 4 बच्चे मेरी कोई ना कोई मनपसंद चीज उठा ले। क्लियर हो गया? तो ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ऐसी इवेंट जिसमें एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क ना पड़े तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर फर्क पड़े तो उनको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हो गया? तो जैसे मिक्स मिठाई का डब्बा मैंने बताया तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, और जो सेम मिठाई का डब्बा मैंने बताया वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर हो गया? अब लास्ट कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो आपके काम आएंगे थ्रू आउट द चैप्टर, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में और, यूनियन और प्लस एक ही बात है, तो जहां भी और लिखा है या यूनियन लिखा है या प्लस लिखा है एक ही बात है। उसके बाद एंड, इंटरसेक्शन और डॉट और विदाउट डॉट, ये सब एक बात है। तो आप चाहे एंड लिख दो, चाहे इंटरसेक्शन लगा दो, चाहे बीच में डॉट लगा दो, चाहे आप लगाओ मत, ए बी का मतलब भी ए डॉट बी ही होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये चारों सेम है। उसने कहा ए बट नॉट बी, भाई ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ए चाहिए ए बट नॉट नॉट बी, तो बी बार, तो ए इंटरसेक्शन बी बार, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए में से बी हटा दो, भाई ए चाहिए बी नहीं चाहिए। नाइदर ए नॉट बी, भाई ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो ना ए और ना बी, तो आप एक डी मोरविस थ्योरम होती है उसका रिजल्ट यहां लगाया है, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार, होल बार भी लगा सकते हैं, आप खोलेंगे तो यही आएगा। और आपको पता होल बार का मतलब क्या होता है, कि आप सैंपल स्पेस में से घटा दो उसको। आपको पता नॉट ए, ए बार, ए डैश, ए सी और ए एस्ट्रिक सबका मतलब एक है। उसके बाद नॉट ए एंड नॉट बी, ना तो ए चाहिए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ना बी चाहिए बी बार, तो ए ना ए चाहिए एंड ना बी चाहिए, तो उसको ए यून बी का बार, होल बार भी लिख सकते हैं डी मोरविस थ्योरम से, और बाद में एस माइनस ए यून बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आप किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो सारे सैंपल पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे, और आपको पता है दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, दैट इज 5। क्लियर हो गया? तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, मेनली ये ध्यान रखने वाली बात है, और यूनियन प्लस एक ही बात है, एंड इंटरसेक्शन डॉट और विदाउट डॉट भी एक बात है। तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यानी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यानी लेक्चर में हमने ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ डेफिनेशन सीखी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मेनली जो टाइम लगाया वो हमने इवेंट्स की डेफिनेशन पे लगाया, यूनिवर्सल जिसमें सारे सैंपल पॉइंट आए, नल जिसमें कोई सैंपल पॉइंट ना आए, एलिमेंट सिंगल जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आए, कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा आए, इक्वली लाइकली जिसमें हर सैंपल पॉइंट के आने के चांसेस बराबर हों, कॉम्प्लीमेंट्री जो आपकी बात ना माने सिर्फ वो आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
ऐसे इवेंट जिनमें दोनों में बीच में कुछ कॉमन ना हो, कंपेटिबल, ऐसे इवेंट जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, एग्जॉस्टिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ऐसे इवेंट जो सारे सैंपल पॉइंट्स को कवर कर दे, इंक्लूड कर ले, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। और इंडिपेंडेंट इवेंट जब एक इवेंट के होने ना होने से दूसरे इवेंट के होने ना होने पे कोई फर्क ना पड़े, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। कई बार इकट्ठा भी, कई बार नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट बता देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो दोनों की डेफिनेशन मर्जअप हो जाएंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, होपफुली टाइप्स ऑफ इवेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टिल पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स और व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वो पॉइंट ऑफ डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।